दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रोड पेमेंट फेलियर के बारे में बात करने वाले हैं कि जो रोड के अलग अलग पेमेंट के फेलियर होते हैं, हम अपने डेली के लाइफ में जो रोड होता है उस पर कई फेलियर देखते हैं। कहीं से रोड दब जाती है, कहीं पर रोड में खड्डे हो जाते हैं, तो इस टाइप के जो फेलियर हैं, तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा इसी के बारे में जानेंगे कि ये जो फेलियर्स हैं ये मतलब किन किन टाइप्स के होते हैं, ये फेलियर्स क्या होते हैं। दोस्तों इंडिया में जो रोड के पेमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक रिजिड पेमेंट। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से इन दोनों के स्पष्ट है, ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स वो होते हैं जिनकी मटेरियल्स की, जिन पेमेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जो मतलब अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। जैसे कि बिटुमन की जो रोड हम देखते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल पेमेंट का एग्जांपल है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का। तो इसमें जैसे कि चार लेयर होती है, उसमें सरफेस कोर्स, फिर नीचे आती है बेस कोर्स, फिर उसके नीचे आती है सब बेस, फिर उसके नीचे आती है सब ग्रेड। सो ये चार लेयर होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट से। तो अगर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट की इन चारों लेयर में से एक भी लेयर अगर फेल हो जाए, तो दोस्तों वो पूरे फ्लेक्सिबल पेमेंट इन पूरे हमारे रोड की जो मटेरियल है उसको नुकसान कर देती है, हमारा रोड कुछ भी काम करने नहीं रहता है। तो फेलियर जो आते हैं किसी न किसी एक क्रैक के फेल होने से आते हैं, किसी एक क्रैक के मटेरियल के ख़राब होने से आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिजिड पेमेंट के बारे में। दोस्तों जो रिजिड पेमेंट होते हैं, उनके जैसे नाम से स्पष्ट है, जिन पेमेंट्स के मटेरियल की रिजिडिटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, टिक पाते हैं, उनको हम कहते हैं रिजिड पेमेंट। जैसे कि हम जो कंक्रीट के रोड देखते हैं, सीमेंट कंक्रीट के रोड देखते हैं, वो है एक रिजिड पेमेंट का एग्जाम्पल है। दोस्तों रिजिड पेमेंट जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, रिजिड पेमेंट में भी चार लेयर होती है, जिसमें सबसे ऊपर जो होती है वो होती है कंक्रीट स्लैब, जो कि जॉइंट होती है। छोटे छोटे सेक्शंस में जो कंक्रीट की जो स्लैब है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों उसके बाद आती है बेस कोर्स, फिर उसके बाद आती है सब कोर्स, और उसके बाद नीचे आती है सब ग्रेड। दोस्तों इनमें जो सब ग्रेड लेयर है, दोस्तों सब ग्रेड लेयर का मतलब है कि सबसे नीचे की जो परत है, यानी जो मेन जमीन की परत है, उसको हम एक बार क्या कॉम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक बार हम रोलर चलाते हैं, फिर उसके ऊपर हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो करना चालू करते हैं। तो जो सब ग्रेड है वो है मतलब एग्जिस्टिंग सॉइल, जो पहले से हमारी धरती की सॉइल है उसको हम कहते हैं सब ग्रेड। ये तो आपको पता चल गया कि फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं और रिजिड पेमेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के फेलियर के बारे में, कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स यानी बिटुमन के जो रोड होते हैं उनमें कौन कौन से टाइप के फेलियर आते हैं, उसके बारे में ही हम थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो व्यूअर्स, दिस इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग सिविल टेक हिंदी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले एलिगेटर क्रैकिंग या फिर मैप क्रैकिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो ये टेढ़े मेढ़े जो रोड में फेलियर आते हैं, ये हमको कई अक्सर जगहों पर देखने को मिलते हैं। और इस टाइप के जो फेलियर आते हैं, इनको हम एक फैटिग फेलियर के नाम से भी जानते हैं। ये जो मैप क्रैकिंग आती है, ये बेसिकली तीन रीजन से आती है। दोस्तों एक तो इन लेयर का जो मटेरियल है वो इधर उधर खिसक जाने, रिलेटिव मूवमेंट के कारण इन लेयर के मटेरियल में रिलेटिव मूवमेंट हो जाए, तो इस टाइप के फेलियर आते हैं। और एक हैवी व्हील लोडिंग से भी आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो गाड़ी का ज़्यादा भार हो जाता है उसके कारण भी ये फेलियर आते हैं। और एक और रीज़न है, उसके कारण ज़्यादा नहीं होते लेकिन नमी के कारण भी ये फेलियर कई बार देखने को मिला है। तो सो नमी के कारण भी फेलियर आते हैं। तो सो ये तीन टाइप से जो मैप क्रैकिंग है वो होती है। दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है रूटिंग, या फिर मैं लंबे शब्दों में कहूँ तो कंसोलिडेशन ऑफ लेयर मटेरियल्स, यानी जो लेयर मटेरियल्स है उसका कंसोलिडेशन हो जाता है। ये फेलियर हमको कई बार देखने को मिलता है, अक्सर ये फेलियर हमको देखने को मिल जाता है कि टायर के जो है वो सड़क पर मटेरियल पर ग्रूव बन जाते हैं, यानी जो पेमेंट है, यानी जो मटेरियल है वो थोड़ा सा दब जाता है। तो ये बेसिकली किस लिए आता है कि जो सरफेस का मटेरियल, यानी जो सरफेस कोर्स है उसके मटेरियल के कच्चे होने का कारण इस टाइप के फेलियर हमको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इधर से वो मटेरियल कच्चा होता है, इधर से जो व्हील आती है, यानी व्हीकल आती है, उसकी लोडिंग ज़्यादा होती है, उसके भार के कारण ये जो मटेरियल है ये दब जाते हैं, तो इसके कारण ये रूटिंग फेलियर आता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आ जाता है शेयर फेलियर क्रैकिंग। दोस्तों जो शेयर फेलियर क्रैकिंग है, ये तो कुछ इस टाइप से मतलब रोड पे क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं शेयर फेलियर के कारण। दोस्तों ये बेसिकली फेलियर आते हैं कि जो मटेरियल का शेयर रेजिस्टेंस है वो कम होता है, यानी जो उस शेयर को झेल नहीं पाता है, उसका रेजिस्टेंस यानी शेयर का प्रतिरोध करने की उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है मटेरियल में, उस कारण ही फेलियर आते हैं। तो दोस्तों ये भी एक कॉमन सा टाइप का फेलियर है, मतलब मटेरियल के कमज़ोर होने के कारण ही ये फेलियर
हो जाता है। दोस्तों फोर्थ नंबर पर आते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। दोस्तों ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग है, ये जो पेवमेंट है उसकी फुल थिकनेस में आती है, यानी फुल थिकनेस तक ये एक्सटेंड हो जाती है। और दोस्तों ये बेसिकली आती है सब ग्रेड लेयर के कारण, ये सब ग्रेड सॉइल की जो लेयर होती है उसके कारण, उसमें जब मटेरियल मूवमेंट हो जाता है यानी जो उसका वॉल्यूम है वो स्थिर नहीं रह पाता है तो उसके कारण, और उस सब ग्रेड सॉइल में मटेरियल का जो सेटलमेंट है वो ढंग से नहीं होता है, उस कारण ये लॉन्गिट्यूडनल फेलियर आते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उन चारों लेयर्स में से अगर कोई भी एक भी लेयर फेल हो जाती है तो उसके कारण हमारा जो पूरा रोड का मटेरियल है, तो जो सबग्रेड सोइल की लेयर होती है वो नीचे होती है, जबकि हमको असर देखने को मिलता है पेवमेंट पर। दोस्तों पाँचवें नंबर पर है फ्रॉस्ट हैविंग फेलियर। दोस्तों ये फेलियर हम कहीं कहीं देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर टेबल यानी जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो जिस जगहों पर ज़्यादा होता है उस जगहों पर इस टाइप के फेलियर हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस टाइप के फेलियर मतलब ग्राउंड वाटर टेबल जहाँ पर ज़्यादा होती है, तो इसके लिए मतलब स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, हमें जो हम रोड बनाते हैं वो हमें थोड़ी सी ऊपर बनाते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि नीचे से जो भूमिगत पानी है वो आकर नीचे की जो बेस है यानी एग्जिस्टिंग सोइल है उसमें चला जाता है, और एक बार अगर सोइल में पानी चला गया उसके बाद जो हमारा रोड है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, उसके बचने के मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं रहते। क्योंकि जैसा कि मैंने आप पिछली वीडियो में बताया है, जो ड्रेनेज के वो कई कई सिस्टम किए जाते हैं वो सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं कि बस सोइल तक जो है वो पानी को ना पहुँचने दिया जाए। दोस्तों नंबर सिक्स पर है स्लिपेज फेलियर या फिर पॉटहोल्स फेलियर। दोस्तों ये फेलियर है ये हमको कई बार गड्ढों के रूप में देखने को मिल जाते हैं, या फिर जो सड़कों पर आड़ी टेढ़ी मतलब शेप में ये जो है वो हमारा मटेरियल जो है वो उखड़ जाता है, तो इस टाइप के फेलियर मिलते हैं। और अगर इस फेलियर को मैं एक शब्द में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको मैं कहूँगा कि लेक ऑफ बाइंडिंग विथ लोअर लेयर, यानी जो मटेरियल है उसमें जो उसकी नीचे की लेयर के साथ उस मटेरियल की बाइंडिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, उस कारण ये फेलियर हमको देखने को मिलते हैं। यानी एक मटेरियल का पदार्थ अगर दूसरे मटेरियल के साथ में अगर बाइंडिंग कर पाए यानी जुड़ जाए तो ये फेलियर हमको देखने को नहीं मिलते हैं, पर जब मटेरियल नहीं जुड़ता है तब भी हमें फेलियर देखने को मिलते हैं। तो सेवन नंबर पर आता है रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। तो कई बार ऐसा किया जाता है कि सीमेंट कंक्रीट के लेयर पर बिटुमन की जो लेयर है वो चढ़ जाती है। दोस्तों अगर उस कंक्रीट लेयर में कहीं ना कहीं फेलियर होता है तो दोस्तों वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होकर उस बिटुमन लेयर पर आ जाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। जो नीचे वाली लेयर का फेलियर है वो सीधा सीधा ऊपर वाली लेयर पर आ जाता है। दोस्तों नंबर एट पर है कॉरुगेशन फेलियर। दोस्तों ये फेलियर कई बार मॉइस्चर के कारण आते हैं, और जो पेमेंट का ऊपरी पेमेंट का मटेरियल है वो कच्चा होता है उसके कारण आते हैं, और हैवी लोड के कारण भी आते हैं। यानी एक नॉर्मल सा फेलियर है हमको कहीं भी देखने को मिल जाता है, इसमें बेसिकली मटेरियल जो है वो थोड़ा सा कच्चा यूज़ में लिया जाता है, उसके कारण इस टाइप के फेलियर आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग के बारे में। दोस्तों ब्लीडिंग क्या होती है कि जब भी हम देखते हैं कि हमारी जो रोड की सर्फेस होती है बिटुमन की सर्फेस है वो मतलब एक ग्लास जैसी चमकने लगती है, उसमें हम यूँ कहें कि जो फ्रिक्शन है वो लेस हो जाता है, यानी एक बिल्कुल ग्लास के जैसे शाइन करने लगती है वो सरफेस, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाती है रोशनी के लिए। तो उसको ऐसी सरफेस हमें नुकसान कहाँ देती है कि जब भी अगर सड़क में ग्रूव होते हैं तो टायर का और जो लेयर है यानी लेयर का जो पेमेंट है उसके बीच एक घर्षण बना रहता है, जिससे क्या होता है कि स्लिप बिल्कुल नहीं होते, तो ये उसमें नुकसान देती है कि एकदम बिल्कुल ही फिनिश सरफेस बन जाती है। कई बार 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 टायरें को चलने के कारण क्या होती है कि एक मतलब बिल्कुल कांच जैसी सरफेस बन जाती है एकदम प्लेन, तो एकदम प्लेन सरफेस भी नहीं होनी चाहिए, वरना फ्रिक्शन बहुत ही लो हो जाएगा और हमारी जो व्हीकल है वो स्लिप होने लगेंगी। अब हम बात करते हैं पंपिंग के बारे में। तो सो कई बार क्या होती है कि जो रोड की जो प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था है वो सही नहीं होती है, जो वाटर है वो ऐसे ही रोड के साइडों में इंजेक्ट हो जाता है और कई मतलब पानी वहाँ पर भरा रहता है, तो पानी क्या है कि इनडायरेक्टली उस लेयर को नुकसान पहुँचाता है, इस कारण ये जो फेलियर है वो आते हैं। तो ये थे करीब फ्लेक्सीबल पेमेंट के 9-10 फेलियर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और सिविल टेक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतने दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।